नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ग्रामीण इलाकों में फैले कोरोना को लेकर और सरकार की क्या है तैयारी। हर साथ मुखिया जी को कौन सा ऐसी जिम्मेवारी दे दी गई है जो कि कोरोना के दौरान उन्हें पिछले साल भी दी गई थी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच में अब मुखिया जी और वार्ड सदस्य को अहम जिम्मेवारी दे दी गई है। कोरोना को लेकर अहम जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि कोरोना पीड़ितों का हाल चाल जानने के साथ साथ मुखिया जी संक्रमितों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मुखिया से फोन कर कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस रणनीति पर मंथन किया गया था, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों की सहायता ली जाए। सरकार का यह मानना है कि अब कोरोना गांव में भी फैल गया है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोगों के बीच में जागरूकता का अभाव है। बैठक में यह भी कहा गया कि लोग बीमार होने के बाद भी कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं, ऐसे में जब उनकी स्थिति खराब होती है तब वो जो है हॉस्पिटल जाते हैं। कोरोना को देखते हुए विभाग यह मान रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुखिया और वार्ड सदस्य अपने वोटरों को रैंडम फोन कर इस संबंध में जानकारी लें। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने में सरकार का सहयोग करें। इसमें यह भी कहा गया है कि मुखिया जी चाहें तो वे सरकार के अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि मुखिया का इलाका अगर बड़ा है तो वे गांव स्तर पर एक कमेटी बना लें। इस कमेटी में 5 महिला और 10 पुरुष को शामिल करने की बात कही गई है। महिलाओं को कमेटी में शामिल करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि गांव में महिलाओं से बात करने के लिए कमेटी में महिलाओं को शामिल किया जाए, ताकि वह जो है एक तरह से कहें महिला एक दूसरे से बात कर सके और बता सके कि क्या स्थिति है। बता दें कि जिलाधिकारी मुखिया से फोन करके भी जो है कोरोना की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर मरीज में कोरोना पॉजिटिव की बाद कोई लक्षण नहीं है तो उसे होम आइसोलेशन में रखना है। हालांकि होम आइसोलेशन के दौरान मरीज को परिवार वालों से अलग कमरे में रखने को कहा गया है। होम आइसोलेशन के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं 7 दिनों के अंदर 3 दिनों तक अगर लगातार बुखार नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। 7 दिन में बुखार खुद को कोरोना निगेटिव मानकर नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं। 7 दिन बाद उन्हें कोई टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। बिहार में कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस बार का कोरोना काफ़ी माइल्ड है नज़र आ रहा है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार इस बार कोरोना पॉजिटिव मरीज 3 से 5 दिन में निगेटिव हो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 98% लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। हालांकि लोगों को सावधान रहने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार सरकार पंचायतों में जो मुखिया हैं या फिर वार्ड हैं उनकी जिम्मेवारी उनसे वो काम लेती रही है कोरोना काल के दौरान। अगर हम शुरुआती कोरोना काल की बात करें तो उस दौरान भी एक तरह से कहें कि जब क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे तो उस दौरान भी मुखिया और वार्डों से यह जिम्मेवारी ली गई थी कि आप जो है क्वारंटाइन सेंटर की देखभाल करेंगे, वहाँ आने वाले लोगों की देखभाल करेंगे। अब जब कोरोना की तीसरी लहर है तो इस दौरान भी जिला प्रशासन ने या कह लें कि बिहार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि मुखिया और वार्ड सदस्य ये दोनों जो है अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और लोगों की मदद करें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।